नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजी। आइरो करते हैं खबर की। इस गाय का दूध पीने वालों की हो रही तलाश, पशु चिकित्सक ने कही ऐसी बात कि लोगों की हलक में अटकी जान। मध्य प्रदेश के पांडोड़ा में एक गाय की वजह से बाजार में दहशत फैल गई। गाय ने कभी दुकानदारों का सामान फेंका, कभी राह चलते लोगों पर अचानक हमला कर दिया, जिसके बाद सभी अपनी जान बचाते इधर से उधर भागते रहे। किसी तरह लोगों ने उसे पकड़कर पशु चिकित्सालय पहुंचाया। पशु चिकित्सक ने जो बातें बताई उसे जानने के बाद अब उन लोगों की जान हलक में अटकी है जिन्होंने इस गाय का दूध पिया था। दरअसल पांडोड़ा नगर के गुजरी बाजार स्थित शारदा मार्केट में आज रविवार एक गाय ने भारी उत्पात मचा दिया। बौराई गाय ने दुकानदारों से लेकर खरीदारों को भी परेशानी में डाल दिया। नगर पालिका के कर्मचारियों ने मोटी रस्सियों की मदद से उसे किसी तरह काबू में किया और जेसीबी से पशु चिकित्सालय पहुंचाया। बताया जा रहा है कि उसने इसमें रेबीज के लक्षण नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब उसका इलाज किया जा रहा। पांडोड़ा पशु चिकित्सक रुपेश देशमुख ने बताया कि एक पागल गाय को पकड़ा गया है, मुंह से लार निकल रहा, लोगों को मारने के लिए दौड़ रही, उसमें रेबीज के 75% लक्षण दिख रहे। वहीं पशु चिकित्सक केतन पांडे ने गाय को रेबीज होने पर कहा कि अभी की स्थिति में किसी प्रकार का घाव नहीं, लेकिन अगर किसी पागल स्वान ने 6 महीने के भीतर भी इसे काटा हो तब भी इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में आशंका है कि यह काफी हद तक शरीर में फैल चुका है। मेरी रिपोर्ट सीआईडी न्यूज पांडोड़ा। गाय पागल हुई हुई है, उसको रेबीज के सिम्टम्स लग रहे हैं, कंफर्म तो बोल नहीं सकते, बाकी 75% चांस है कि रेबीज है। पागलों जैसी हरकतें कर रही है, मुंह से लार्वा भी आ रहा है, झागनी कर रही है और पागलों जैसी हरकतें कर रही है, मारने को दौड़ रही है। अभी मार्केट में मार्केट में वो तो पीछे दौड़ी है, इसलिए नगर पालिका वाले कुछ भैया लोग आए हैं पकड़ने में मदद कर रहे हैं। खबर में बस इतना ही, बने रहे सीआईडी न्यूज के साथ।